नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, अभी ये दूसरी न्यूज़ मेरे पास आई है, गल्फ्स न्यूज़ की ये न्यूज़ है। आप लोगों के साथ शेयर बातें करनी है। बहुत सारी कंपनियां हैं वो विदेशियों को जॉब देने से मना कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, इस मैटर पर हम बात करेंगे, आगे आने वाले टाइम में होने वाला क्या है कुवैत से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुवैत की साथियों सरकारी एक तेल कंपनी है, हालांकि सरकारी बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने विदेशियों को जॉब देने से इनकार कर दिया। जी हां साथियों, ये लेटेस्ट न्यूज है, गल्फ न्यूज में ये न्यूज आई हुई है। इसके रीजन क्या बताए हैं मैं बता दूं। पहला तो है कोविड-19 में, आपको कोविड-19 आपको पता है कोरोना महामारी में तेल के भाव है वो 0/0 हो चुके हैं, तो बिजनेस नहीं चल पा रहा है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि विदेशियों की बढ़ती हुई जनसंख्या कुवैत का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, एक मुद्दा बन रहा है इसका, और वहाँ की सरकार में भी ये मुद्दा उछला है और उस पर कानून के ऊपर भी मोहर लगना अभी लगी नहीं है, लेकिन अंडर प्रोसेस चल रहा है। लग जाएगी तो भाई आपका जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। कुवैत के प्रधानमंत्री ने यह बोला है कि हमारी आबादी से ज़्यादा 30% विदेशी मजदूर कामगार नहीं होने चाहिए। 30% का मतलब आप मान सकते हैं टोटल आदमी 4.8 मिलियन यानी 50 लाख के करीब दुबई में पूरी पॉपुलेशन है। जी हाँ साथियों, उसमें से 3.4 मिलियन कौन हैं? बाहर वाले। जी हाँ साथियों, यानी 48 में से 34 लाख आदमी सिर्फ विदेश वाले हैं, और आप समझ सकते हैं फिर क्या स्थिति उस देश की होने वाली है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कल को, आगे की भविष्य के बारे में उन्होंने बताया। ये वहाँ पे प्रधानमंत्री ने बोला कि इन पे कोटा प्रणाली होनी चाहिए। कोटा प्रणाली मतलब जैसे भारत को जैसे 15% दे दिया, मिस्र को 10% दे दिया, बांग्लादेश को 7% दे दिया, इस तरह से कोटे वर्कर्स के तहत ही वर्कर आने चाहिए, फालतू में अनगिनत वर्कर नहीं आने चाहिए। ये विधेयक पास हुआ नहीं है, अभी कानून अंडर प्रोसेस चल रहा है, अगर मोहर लग जाएगी तो आप लोगों के लिए समस्या आने वाली है कुवैत से संबंधित। वहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब जिनको VIP बोल सकते हैं, जैसे इंडिया में होते हैं ना, फलाने ने ये बयान दिया, फलाने वो बयान दिया, उन्होंने ये सरकार को सजेशन दिया, उन्होंने सजेशन ये दिया है कि सबसे बड़ी भारत कुवैत में हमारे लिए समस्या है अकुशल मजदूर लोगों की। जी हाँ साथियों, आप लोग जो मजदूरी वहाँ पे कर रहे हो आप लोगों की, उनको बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये बता रहे हैं मेडिकल से संबंधित, क्योंकि ये मजदूर होते हैं इनको बीमारी ज़्यादा हो जाती है, ये ध्यान नहीं रखते वगैरह वगैरह, ऐसा उनका कहना है। इस वजह से इस पर रोक लगाई जाए, इनकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पे बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो भाई उनको भी फिर प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो बात को। आप एक घर में 5 और आपके घर के आस पास में 100 लोग रह रहे हैं और वहाँ पर एक शॉप है, तो फिर सर्विस में दिक्कत आएगी ना आपको, तो सेम कंडीशन उनके साथ वहाँ पे हो रहा है। प्रधानमंत्री या बहुत सारे जो मंत्री, उन्होंने ये बोला है भारत को 15% कोटा दिया जाए, मिस्र को 10% कोटा दिया जाए। जी हाँ, और कंट्रियों का मेरे पास कोई डेटा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। और इसका एक रीज़न मैं बता दूं कि कुवैत ने पिछले महीने, आपको पता है कोविड-19 में सरकार ने एक नियम निकाला था कि इलीगल वर्कर जितने भी हैं उनको आपको आउट पास हम बना के देंगे, आपको जुर्माना हम माफ़ कर देंगे, आपको हम टिकट भी दे देंगे, आप अपनी अपनी देश जाओ, इसका यही सबसे बड़ा रीज़न था जो अभी खुल के आया। आप लोग बड़े खुश हो रहे थे ना कि सरकार कुवैत की तो फ्री दे रही है, टिकट भी दे रही है, आपको सरकार को निकालना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था, आज की न्यूज़ में ये खुलासा हुआ है। जी हाँ, वो ये चाह रहे हैं कि जितनी भीड़ यहाँ से निकले हमारे लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोकल आदमी आपका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए सरकार ने भाई आपको खामा, आपको टिकट, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करना, सब कुछ गवर्नमेंट ने दिया था, फ्री दिया था ना आप कुवैत वालों को, सबको पता है, और आपने बड़े बड़े वीडियो भी बनाए थे, ये देखो कुवैत सरकार तो बहुत अच्छी है, हमें टिकट भी दे रही है, हमें फ्री में भेज रही है, इंडियन सरकार हमारी नहीं सुनवाई कर रही है। उनका लक्ष्य यही था, भीड़ हटाओ और अपने घर जाओ ताकि हमारे लोग शांति से रहे। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ये स्थिति है भाई, अगर ये हो गया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के लगभग 14.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है, अगर 15% कोटा रखते हैं तो 8 लाख लोगों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई जितने हैं वो तो वहाँ पर काम करें, आगे से ये नियम 2021 से या फिर आगे से नियम हो जाए कि 15% कोटा ही हम लेंगे आपका, जैसे 100 लोगों की जरूरत है कुवैत में तो 15 आदमी कुवैत
कुवैत के इंडिया के आएंगे, बाकी 10 आदमी मिस्र के आएंगे। इस तरह से ये कोटा लागू हो सकता है। बाकी देखते हैं अगले विधेयक में सरकार जो विधेयक पास करेगी उसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं ताकि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।